सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल न्यूज में। बेसिकली मैं वीक में 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब डेली काफी ज्यादा रिसर्च स्टडीज होती है जिसके रिजल्ट बाहर निकल के आते हैं, काफी ज्यादा मेडिकल अपडेट्स होते हैं वो हर रोज मिलते रहते हैं। तो अगर मैं उन्हें वीडियोज में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा वीडियोज हो जाएंगे। तो हर रोज आपको इस तरह का एक वीडियो सुबह मिलने वाला है जिसमें मैं जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी न्यूज होंगे मेडिकल हेल्थ रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आशा रखता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट निकल के आता है वो मिलता है हमें स्लीप एपनिया के बारे में। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। ये जो इमेज आप देख रहे हो उसमें आप देख पाओगे कि जो अपर एयरवे है हमारा, जहाँ पे हम यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ सांस लेते टाइम ये एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से रात को खराटे आने की दिक्कतें आती है। अब यहाँ पे ये स्टडी हुआ है कि जो लोग टंग फैट जो है वो रिड्यूस करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। बेसिकली यहाँ पे ये स्टडी हुई है US के अंदर, जिसमें पार्टिसिपेंट को बुलाया गया जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे एडल्ट से लेके ओल्ड एज तक पीपल थे और उन्हें 6 मंथ्स के डाइट पे रखा गया जिसमें उनका वेट लॉस हुआ। और यहाँ पे स्टडी में ये प्रूव हुआ जितना भी वेट लॉस हुआ 10% वेट लॉस हुआ तो 31% जो है उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिलीफ मिली है। तो यहाँ पे बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर टंग फैट कम हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो खराटे आने की प्रॉब्लम है ना, वो हो सकती है कम। यहाँ पे दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है कंप्रेशन सॉक्स को लेके। बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन सॉक्स आप कह सकते हो, कंप्रेशन सॉक्स जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम ना हो, मसल टाइटनेस का या फिर मसल वीक हो जाने का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कंप्रेशन सॉक्स उनको सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टडी में प्रूव हुआ है कि कंप्रेशन सॉक्स जो है वो आज के टाइम पे फ्रिक्वेंट फ्लायर्स एंड जो राइडर्स हैं उन्हें भी पहनने चाहिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है लेग्स के अंदर, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम होता है, प्लस वहाँ पे मसल जो है वो टायर्ड फील करते हैं। तो बेसिकली जब हम कंप्रेशन सॉक्स पहनते हैं तो कंप्रेशन सॉक्स बेसिकली क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे कंप्रेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस नहीं है, फिर कंप्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। तो ये सारे एडवांटेजेस जो है वो कंप्रेशन सॉक्स से मिलते रहते हैं। यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है दिल्ली पॉल्यूशन को लेके। यहाँ पे एक रिसर्च स्टडी में प्रूव हुआ है कि दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन होता है मेजर रीजंस है ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एंड डोमेस्टिक हीटिंग। अब यहाँ पे उसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर शेयर की है कि इंडिया में 6 लाख लोग हर साल पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए हैं, कुछ पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए टावर भी लगाए गए, देखते हैं कि आने वाले समय में उससे कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं, पॉल्यूशन कम होता है कि नहीं। अगर होता है तो डेफिनेटली मैं न्यूज़ से वीडियो में आपको बताता रहूंगा। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है चाइना में हुई एक स्टडी के बारे में, जिसमें पता चला है कि ग्रीन टी पीने से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ग्रीन टी पीने से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। बेसिकली ग्रीन टी के अंदर पॉलीफेनॉल्स होता है, जब आप ग्रीन टी पीते हो आपको पॉलीफेनॉल्स मिलता है और वो पॉलीफेनॉल्स आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये स्टडी चाइना में हुई थी जिसमें 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ऐसे लोग जो ग्रीन टी कभी पीते ही नहीं है, एक ऐसे लोग जो वीक में एटलीस्ट 3 बार पीते हैं। तो ये उनमें जो वीक में 3 बार से ज्यादा पीते हैं उनमें ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना होने के चांसेस नहीं पीते तो उनसे ज्यादा पाए गए। तो ये स्टडी अब प्रूव हो चुकी है ग्रीन टी पीने से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलीफ मिल सकती है। अगर आपको नहीं पता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है तो उसमें काफी ज्यादा डिजीज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हो ब्लड प्रेशर। जो अगला अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है स्मोकिंग को लेके। बेसिकली ये इसराइल में हुई एक स्टडी के हिसाब से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें तो मैंने ऑलरेडी काफी लंबे समय पहले एक वीडियो बनाया था कि स्मोकिंग जो है वो हमारे माइंड के लिए बहुत ही बुरा है। तो बेसिकली इस स्टडी में 2000 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया गया था जिसमें स्मोकर्स थे, नॉन स्मोकर्स थे, और ये रिजल्ट पाया गया है कि जो स्मोकर्स थे उनमें मेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा थे, जैसे कि डिप्रेशन डिप्रेशन उनमें ज्यादा पाया गया। तो यहाँ पे बेसिकली स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि स्मोक कर रहे हो तो मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यही चांस है, अगर क्विट करना चाहते हो ये रीजन की वजह से भी आप क्विट
कर सकते हो। जो लास्ट अपडेट है वो है कीटो डाइट को लेके। कीटो डाइट अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसको कहा जाता है कीटो डाइट। अब यहाँ पे कीटो डाइट की वजह से अगर पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है तो उसे रिलीफ मिल सकती है। बेसिकली ये जो स्टडी हुआ है उसमें ये पता चला है कि कीटो सप्लीमेंट लेने के बाद अगर कोई पेशेंट ग्लूकोज कंज्यूम करता है तो वहाँ पे जो एबिलिटी है उसे डाइजेस्ट करने की, या फिर कह सकते हो कि एबिलिटी उसे ग्लूकोज को कंट्रोल करने की, वो ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली कीटो सप्लीमेंट के बाद इस स्टडी में हर एक पेशेंट को 25 ग्राम ग्लूकोज दिया गया था और रिजल्ट ये था कि जो कीटो डाइट पे नहीं थे बेसिकली उनका ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल स्ट्राइक अप हो गया था, लेकिन जो पेशेंट्स कीटो डाइट पे थे उनका ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा हाइक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये रिसर्च में पता चला है कि कीटो सप्लीमेंट डाइट से ग्लूकोज कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ये आज के सारे अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। इस तरह की वीडियोस आज से आपको हर रोज मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे हेल्दी अपडेट्स हर रोज चाहिए, तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल फिर से एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।